कुरुक्षेत्र के पीपली में एक अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई है। पीपली के देवीलाल पार्क के पास एक अज्ञात व्यक्ति की लाश बरामद हुई है और उसकी उम्र 40 से 45 साल बताई जा रही है। मौके पर फॉरेंसिक टीम ने पहुंचकर जांच की। फॉरेंसिक टीम के इंचार्ज अशोक वर्मा ने बताया कि हम मौके पर पहुंचे हैं और जांच करने पर पता चला कि यह व्यक्ति पीपली में ही घूमता रहता था और इसकी टांग पर प्लास्टर भी लगा हुआ है, लेकिन अभी इसकी जांच नहीं हो पाई कि यह कौन है और कहां का रहने वाला है। और अशोक ने बताया कि असली मामला तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। हमारे पास पुलिस चौकी सेक्टर 5 से सूचना मिली, एक अज्ञात व्यक्ति जो सड़क किनारे खड़ा हुआ है, और यहाँ पर हमने इसको मतलब देखा है, एग्जामिन किया है, तो इसको पोस्टमार्टम होने के पश्चात ही इसके बारे में बता पाएंगे कि किस कारण इसकी मौत हुई। तो सर आप मतलब क्या इसे पता लगा कौन है, कौन कहाँ का है, ऐसा कुछ? इसको हमने कई बार पीपली भी देखा है, घूमता रहता था ये, और इसकी टांग में फ्रैक्चर है, और हमारे कुछ लोगों ने टीका लेना काम का दान में जो टूटी हुई है इसके पिछली भी चाहे था, और आज इसको इसकी यहाँ पे बॉडी मिली है, तो इसको पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ पता लग पाएगा कि इसकी मौत का कारण क्या था। तो सर आपकी टीम पहुँची है यहाँ पर, क्या नाम है उनके, आपके क्या नाम है? मैं डॉक्टर अशोक कुमार, जिला क्राइम के क्षेत्र से, और मेरे साथ श्री जगजीत सिंह जी हैं, जिला पुलिस।